स्वागत है मित्रों आपका यूएफओ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक भाजी विथ चना दाल। पालक भाजी विथ चना दाल बनाने के लिए हम पहले कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और उसमें थोड़ा तेल डाल लेते हैं। ये देखिए, ये हल्का सा तेल डाल लिया हमने। तेल गर्म हो जाता है फिर इसके अंदर हम मेथी और सौंफ डालेंगे। तो ये देखिए हमारा तेल लगभग गर्म हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ी सी मेथी डाल देते हैं, मेथी के दाने हैं ये। और ये देखिए थोड़ा सा सौंफ डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग इसमें डाल देते हैं। तो जब तक ये हमारा मेथी और सौंफ हो रहा है, तो हमने क्या किया था, एक घंटे पहले ये हमने चने की दाल को एक कटोरी में भिगो के रख लिया था पानी के अंदर, ताकि ये फूल जाए और उसका पानी फिर हमने निथार दिया है। इस चने की दाल को हम इस्तेमाल करेंगे इस सब्ज़ी के अंदर। तो अभी फ़िलहाल हम ये जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसमें फिर प्याज डालते हैं। ये देखिए अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। तो अब हम इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो जब तक ये प्याज भून रही है, तो प्याज के भुनने की वो हम थोड़ा तेज़ करने के लिए इसके अंदर थोड़ा नमक डाल देते हैं। अभी ये मैंने सी सॉल्ट ले लिया है, सी सॉल्ट को हम इसके अंदर डाल लेते हैं। आप ऑर्डिनरी सॉल्ट भी डाल सकते हैं अगर सी सॉल्ट ना हो तो। अच्छा, जब तक ये प्याज हमारा गुलाबी हो रहा है, तो हमने क्या किया, एक टमाटर काट लिया है और कुछ लहसुन ले लिए हैं चार कली, और एक मिर्ची हमने ले ली है हरी मिर्च, और उसको हम अब पेस्ट बना लेते हैं उसका। ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। बहुत बारीक ना भी बना नहीं बनाना है इसको, बस बस उसको दरदरा सा पीस लेना है। तो ये देखिए हमारा प्याज हो गया। अब इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर लहसुन और मिर्च का, उसको हम डाल देते हैं और साथ में भूनते हैं फिर इसको। ये देखिए, ये देखिए जब तक ये भुन रहा है, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, बहुत हल्की सी हल्दी मिला देते हैं और साथ में भुनने देते हैं उसको भी। तो ये देखिए हमारा ये मसाला बढ़िया भुन गया है। अब इसके अंदर हमने आधा किलो पालक ले लिया, उसको बहुत बढ़िया से धो लिया है और छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं उसके पालक के, हरी पालक के। तो अब उसको हम इसमें मिलाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास पालक है, इसको मैं इसमें डालता हूँ। ये इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने मिला लिया है पालक को पूरा हमारे मसाले के साथ में। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई नई चीज़ डालें इसके अंदर, जैसे अभी हमने पालक डाली या मसाले डाल रहे हैं, उस वक्त उसको हमेशा अपनी गैस का जो आँच है उसको थोड़ा कम कर लीजिए, ताकि कपड़े उपड़े पकड़ने का डर ना, क्योंकि आपको गैस के पास जाना होता है। तो इसलिए हमेशा उसको आँच को मध्यम कर लीजिए। अब इसको हम मीडियम आँच पे ही थोड़ी देर पकने देते हैं, इसको ढक देते हैं और करीब जब तक ये पक ना जाए तब तक इसको ढक के रखते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में खोल के चलाते रहेंगे इसको। तो देखिए, इस मौके पे हम देख लेते हैं, थोड़ा 5 मिनट हो गए इसको रखे हुए ढक के एकदम स्लो आंच पे। और ये देखिए पालक ने अब पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये सही समय है जबकि हम इसके अंदर वो चने की दाल अपनी मिला दें और फिर इसको पकने दें। तो अब हम इसमें वो जो हमने भिगो के रखी थी चने की दाल, उसको मिला देते हैं और फिर इसको, ये चने की दाल इसके अंदर डाल दी और इसको मिक्स करके और फिर इसको पकने देते हैं। अच्छा, नमक हम आखिरी में थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि पालक का अपना भी नमक होता है, इसलिए नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा बीच में। तो अभी इसको हम पकने देते हैं, फिर देखते हैं इसको। चलिए, करीब 2 मिनट हो गए इसको ढके हुए और ये देखिए बढ़िया चना पक रहा है साथ में। और इसको आप क्या करिए कि जब चला रहे हैं तो कि हो गया है कि नहीं हो गया, इसके लिए आप इसको एक चम्मच में लेके थोड़ा सा चना खा के देख सकते हैं कि उसका मतलब टेक्स्चर कैसा हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पका है कि अभी कच्चा सा है चना। बस चने को थोड़ा सा पक जाने का हमें इंतज़ार करना है। तो इसमें आप उस हिसाब से जब चना चखेंगे तो आपको समझ में आएगा नमक कितना है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा नमक भी और मिला सकते हैं इसके अंदर और फिर इसको पकने दीजिए। जैसे ही चना पक जाता है फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए, तकरीबन 4 मिनट हो गए। अब इस स्टेज पर आके हम इसमें थोड़ा सा अमचूर मिला देते हैं, ताकि वो दाल एकदम से गल के दाल जैसी ना बन जाए कि एकदम से घुल जाए उसके अंदर। तो थोड़ा सा बस इसके अंदर आधा चम्मच करीब अमचूर डाल दीजिए। तो ये देखिए, हमने इसको लो आंच पे चढ़ाया हुआ था और तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये बढ़िया एकदम से तैयार हो गया हमारा। आप इसको खा के देखिएगा, चना एकदम गल चुका होगा और ये जो चने की दाल है एकदम गल चुकी होगी। उसको हम अब
इसके ऊपर छोटे छोटे अदरक के हमने ये देखिए पीसेस कर लिए, उससे इसको गार्निश जैसा कर देते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं इसके अंदर ये, और बस अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है, ये बहुत ही हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली हमारी पालक की भाजी है। तो आप भी बनाइए और खिलाइए पालक भाजी विद चना दाल, और खाने वालों के स्वाद को कर दीजिए मालामाल। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ में।